गणेश जी बचपन से ही बड़े नटखट और उछल कूद करने वाले बालक थे। वह दिन भर कैलाश पर्वत पर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर अपने दोस्तों के साथ घूमते थे और कोई ना कोई नई शरारत करने की तरकीब ढूंढा करते थे। एक बार की बात है जब गणेश जी को एक छोटी सी बिल्ली दिखाई दी। वह उस बिल्ली के साथ खेलने लगे, परंतु थोड़ी ही देर में उनका वह खेल बिल्ली के साथ छेड़छाड़ में बदल गया। खेल खेल में गणेश जी कभी उसकी पूंछ पकड़कर खींचते तो कभी पूंछ मरोड़ते और कभी उसे जमीन पर जोर से पटक देते, जिसके कारण उस छोटी सी बिल्ली के शरीर पर काफी चोटें आ गईं और वह जोर से दर्द में चिल्लाकर गणेश जी के हाथों से निकलकर भाग गई। बिल्ली दर्द में चिल्लाते हुए कैलाश पर्वत की पहाड़ियों में चली गई। गणेश जी को जब ये बात ज्ञात हुई कि उनके कारण उस बिल्ली को बहुत चोट पहुंची है, तब वह काफी निराश हुए और अपनी माता से मिलने के लिए घर को चल दिए। रास्ते में उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी और वह जल्दी जल्दी से खाना खाने के लिए घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उन्होंने जोर जोर से माता पार्वती को बुलाना शुरू कर दिया कि हे माँ, मैं घर वापस आ गया हूँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो। इसके बाद जब माता पार्वती जी गणेश जी के सामने आई, तब गणेश जी ये देखकर हैरान हो गए कि माता पार्वती के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। माँ को देखकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। गणेश जी ने मन ही मन में सोचा कि माता पार्वती संपूर्ण विश्व की माता हैं, जिसके कारण किसी में इतनी हिम्मत नहीं है या शक्ति नहीं है कि कोई उन्हें घायल कर सके और पीड़ा दे सके। परंतु अचानक से उन्हें समझ आया कि अगर माता पार्वती सबकी माँ है तो माता पार्वती हर जीव में मौजूद है। अगर किसी जीव को किसी प्रकार से चोट लगती है तो उसका असर माता पार्वती पर भी होगा। इसी कारण से जो पीड़ा आज गणेश जी ने बिल्ली को दी है, जिससे वह बिल्ली घायल हुई, वही पीड़ा उनकी वजह से माता पार्वती को हुई है। अपनी गलती का एहसास होने पर भगवान गणेश ने नम्रतापूर्वक माता पार्वती से क्षमा याचना मांगी और अपने सभी मित्रों के सामने ये प्रतिज्ञा की कि वे जीवन में कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे।